मान गए मल्हार सरकार को, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये वो सीन है जिसकी बात करके आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा जो सीन था जिसमें मल्हार सरकार खंडरा को लेके आते हैं, जब अहिल्या काम कर रही है राजकाज का और वहां पे अहिल्या खंडेराव को देख के हैरान होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में मन मुटाव चल रहा है जो गौतमा ने अपडेट किया था मल्हार सरकार को, जो हमने देखा कैसे अपडेट किया था। मगर यहाँ पे मल्हार सरकार कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो जानना बड़ा जरूरी है। और जो कहावत मैंने फिट की है, नॉर्मली ये कहावत कुछ अलग तरीके से पोज की जाती है, मगर इसको हम इस तरीके से समझेंगे जो इस सीन में दिखाई दी। चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अहंकार आ गया था खंडेराव में, जीत की बात कर रहे थे, तलवार की बात कर रहे थे कि मेरी तलवार को जीत की आदत पड़ गई है बाबा साहेब। तो बाबा साहेब ने भी वो बातें महसूस की जो अहिल्या ने महसूस की, मगर जो बाबा साहेब का तरीका है वो अलग है और अहिल्या क्योंकि पति है थोड़ा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो गया। अब यहां पे जब मल्हार सरकार खंडेराव को लेके आते हैं और बात करते हैं अहिल्या से और कहते हैं कि तुमने बहुत गलती कर दी, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, और वहां पे वो पूरी तरह से खंडेराव की प्रेज करते हैं कि देखो कितना बड़ा मुहिम जीत के आया है खंडेराव, युवराज खंडेराव, और पूरी तरह से खंडेराव को खुश कर देते हैं। और बात भी सही थी कि इतनी बड़ी मुहिम जीत के आया है और पत्नी ने उनकी तारीफ ही नहीं की। पर जिस तरीके से वो चीजों को हैंडल करते हैं वो तरीका बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही वो कई बार गौतमा को भी हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जो खंडेराव का अहंकार था, जो उसका ईगो था जीत का, जिसको समझना बड़ा जरूरी था खंडेराव के लिए, उसी को मैंने सांप कहा है और वही सांप उन्होंने मार दिया। और लाठी थी जो अहिल्या और खंडेराव के प्रेम की लाठी, और लाठी भी टूटने नहीं दी, जिसकी कोशिश करते करते अभी तक बहुत सारे लोग थक चुके हैं। मगर ये जो पार्ट था इस एपिसोड का बहुत ही प्यारा था, जिस तरह से उन्होंने अहिल्या को समझाया और साथ में बातों बातों में खंडेराव को बताया कि ये धन मालवा का है और मालवा के लिए ही इसको उपयोग किया जाएगा। और बाद में खंडेराव ने भी बड़ा दिल दिखाया और अपनी गलती मानी। यही फर्क होता है गुरु और चेला में। अभी अहिल्या को ये बातें सीखनी बाकी है, मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा था ये जो गुण है मल्हार सरकार का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंदे को उसी के तरीके से समझाओ जिस तरीके से उसको बात पल्ले पड़े। सीधा सीधा बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, अगर आप उसके तरीके से समझाओगे जैसे उन्होंने कहा पहले अहंकार को पलोसो फिर करो, तो वही उसने किया, वही अहिल्या को समझाया और अब अहिल्या भी समझ गई है, क्योंकि वो बातों के बीच में ही उसकी स्माइल से पता चल रहा था कि वो समझ गई है कि बाबा साहिब अब इस बात को किस तरीके से समझाने वाले हैं अपने ही पुत्र को। तो ये बढ़िया था दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।